कन्या परिसर पांचवी की छात्राओं द्वारा नए भवन की मांग को लेकर पैदल करीब 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता तय किया था, जिसके बाद छात्राओं की समस्या जाने बड़वानी से डिप्टी कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक द्वारा जिम्मेदारों पर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई। डिप्टी कलेक्टर विवेक गुप्ता कन्या विद्यालय पहुंचा और छात्राओं से चर्चा की है, साथ ही स्थानीय अधिकारियों से मामले में जानकारी ली है। डिप्टी कलेक्टर श्री गुप्ता ने छात्राओं के इस प्रकार की छात्रावास से निकलने को बड़ी घटना बताते हुए जांच के बाद जवाबदारों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे ने भी छात्राओं से समस्या को लेकर चर्चा की और छात्राओं को आश्वस्त किया है। उन्होंने भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता के बारे में उपस्थित छात्राओं से भी पूछा है। देखिए, सुबह सुबह मुझे एक जानकारी मिली थी कि बच्चों की कुछ परेशानी को लेकर वो हॉस्टल से बाहर निकले थे। उसी के दौरान मैं आज हॉस्टल में आया हूँ और बच्चों की कहीं कहीं प्रकार की समस्याएं थी। बच्चों से डायरेक्ट मैं 1-to-1 भी बात करा, वार्डन से भी बात करा और सभी अधिकारी, तहसीलदार साहब, एसी साहब, बीओ साहब, सभी अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि लोग भी हमारे साथ में सब उपस्थित थे। कई प्रकार की उनकी कुछ समस्याएं थी, वो बात करी हमने, और भवन को लेकर बात थी उनकी बच्चों की, जो कि भवन अपने खैड़ा फैलिया में ऑलरेडी जमीन भी आवंटित हो गई है, भवन भी स्वीकृत हो गया है, वो भी जल्दी बन जाएगा। वो बस वही विषय था, बाकी और कोई विषय नहीं था। लेकिन बच्चे जो हॉस्टल से बाहर निकले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने हॉस्टल वार्डन को भी थोड़ा सा निर्देशित करा, एसी साहब भी, बीओ साहब भी है, कि इस मामले व्यवस्था को सुधारे और व्यवस्थित करे। इतने जिम्मेदार होने के बाद में भी इस प्रकार की घटना को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, वास्तव में बड़ी बात है ये कि हॉस्टल से बच्चियां बाहर निकालना वास्तव में एक बड़ी घटना है ये। इसलिए मैं एसी साहब, बीओ साहब, हमारे तहसीलदार साहब भी यहाँ है, सभी को एक निर्देशित कर रहा हूँ कि वास्तव में इसकी पूरी एक टीम बना के इसकी वास्तव में पूरी जांच होए, देखा जाए कि क्या मामला क्या था और किस कारण से बच्चे हॉस्टल से बाहर निकले। अगर कोई इसमें कोई अगर ये लापरवाही हुए, किसी ने लापरवाही करी है, लापरवाही के खिलाफ जो भी होगी प्रशासनिक उनकी कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या कार्यवाही भरी, इसको अपन मान सकते हैं कि ये पर्याप्त होगा? देखिए, कार्रवाई मैंने बताया अभी कि अभी उसकी थोड़ी सी जाँच करे, उसको थोड़ी सी जांच, एसी साहब भी है, तहसीलदार साहब भी है, थोड़े उसको विस्तृत उसकी जानकारी लेंगे, जांच करेंगे, तो कोई जो भी अगर वास्तव में जांच में ऐसा पाया जाता कि इनकी लापरवाही रही, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विवेक गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर हूँ मूलपद, और अभी विभागीय एसी नौने से एसी पद का प्रभार देख रहा हूँ। सर, क्या समस्या थी छात्राओं को? हमें सूचना मिली बड़वानी में कि कक्षा 7th और 8th की करीब 30 से 40 बच्चियाँ परिसर से बाहर निकलकर आ गई हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली, तब तक इनके साथ इनके प्राचार्य, इनके टीचर्स और तहसीलदार साहब ये सब वहाँ पहुँचे, बच्चियों से बात किया, मेरे से भी फ़ोन पे बात कराई। बच्चियों का कहना है अभी कन्या शिक्षा परिषद पानसेमल का भवन नहीं बना हुआ है, तो उनकी सबसे प्रमुख मांग थी कि हमारा भवन और हॉस्टल बनाया जाए। मैंने फ़ोन से भी बच्चियों को बताया कि भवन स्वीकृत है, जमीन चिन्हित हो गई है, सशंक को प्रस्ताव है, उसका निरीक्षण भी हो गया है, भवन बनना प्रारंभ होगा, तब भी कुछ समय लगेगा। सर, कितने वर्षों से भवन नहीं है यहाँ पर, जो अन्य भवन में लगा रहे हैं? अब अभी जो भवन स्वीकृत हुआ है, और जब से ये भवन कन्या शिक्षा परिषद पानसेमल शुरू हुआ है, तब से भवन पे लग रहा है। कितने वर्ष हो गए सर? लगभग 7 वर्ष हो गए। सर, लगातार डिमांड भेजने के बाद में भी अभी तक नहीं हुआ, तो क्या कोई बड़ी नहीं, पूरा प्रक्रिया में है, उसकी एक प्रक्रिया है अपना, पूरा सभी चीज़ें प्रक्रिया में है, और अब इसको एकलव्य में भी कन्वर्ट किया जाएगा, तो जो भविष्य में, निकट भविष्य में बिल्डिंग बनने वाली है, वो एकलव्य आदर्श स्कूल के नाम से बनेगी और कन्या शिक्षा परिषद उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सर, 3 बजे बच्चे छात्रावास से निकलती है, क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। जिम्मेदार बच्चों से इसी संबंध में बात की गई कि आखिर बच्चों के दिमाग में ये कैसे आया कि हम 3-4 बजे जो है परिसर से बाहर निकल के इस समस्या को लेके कि हमारा भवन नहीं है।
बच्चों से बात किया, बच्चों ने रिग्रेट भी फील किया कि नहीं हमारे दिमाग में ये बात आई, इसलिए हम बाहर निकले। सर रात्रि के लिए चौकीदार भी तो होता है ना सर? चौकीदार महिला हैं, वार्डन महिला हैं, और चौकीदार रात्रि में थी यहाँ पे, उसके चाबी उसकी लेके इन्होंने बच्चों ने ताला खोला, और बाकी कमरों के में जो बच्चे निवासरत हैं उनकी बाहर से कुंडी बंद कर दी, ऐसा बाकी बच्चों ने बताया। सर जिम्मेदारों की कोई जवाबदारी बनती है नहीं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, उसका परीक्षण तुरंत का तुरंत करेंगे कि आखिर इस विषय की वजह क्या थी, और जो चौकीदार थी उसको तो तुरंत ही हटा दिया है, उसका दूसरे चौकीदार यहाँ पे महिला चौकीदार जो है उसकी व्यवस्था। सर जिले भर में ऐसे अन्य छात्रावास भी है, क्या समय समय पर आपके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है या इसमें जिम्मेदार किनको मानते हैं? अभी बिल्कुल दिसंबर से भी ये कार्य शुरू किया था, और अभी भी प्रत्येक कन्या शिक्षा परिषद में औसत रूप से अल्टरनेट डे पे हफ्ते में 3 दिन कोई ना कोई एक टीचर शिक्षक जिनको नियुक्त किया गया है वो आके यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। बच्चों से भी पूछा कि क्या आपने इसके पूर्व इनको बताया कभी किसी को, वार्डन से लेके जो निरीक्षणकर्ता को, तो बच्चों ने कहा हमने ये समस्या इसके पहले कभी नहीं बताई। इसके अलावा बच्चों ने कोई समस्या नहीं बताई, उनके खाने पीने उनके रहने में कोई असुविधा नहीं बताई। भवन वाली समस्या बड़े स्तर की है और निश्चित रूप से वो जल्दी हल होगी।